नमस्कार, देवभूमि की खबरों के मेगा बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेश चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट में खेती किसानी के लिए कई अहम घोषणाएं की। हरिद्वार के क्षेत्रीय किसानों के मुताबिक योजनाएं अच्छी और दीर्घकालिक है। गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने से किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के घाड़ क्षेत्र में गंगा किनारे काफी अधिक खेती होती है। जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलने से किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। सरकार को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए। सरकार की कई योजनाएं कागजों में दम तोड़ देती हैं, किसानों को उनका लाभ तक नहीं मिल पाता। किसानों का कहना है कि योजनाएं किसानों के लिए तभी फायदेमंद होंगी जब उन्हें पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है उसको लेकर तमाम विश्लेषक जो हैं अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे में खेती किसानी के लिए कई घोषणाएं की गई जिसको लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2022-2023 के लिए देश का आम बजट पेश किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए ये बजट पेश किया है। ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। तो जो आज आम बजट पेश किया गया है उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने इसे निराशाजनक बजट बताया है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। इस बार पुलिस ने देहरादून निवासी युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 153A के तहत किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और 295A के तहत किसी व्यक्ति की तरफ से द्वेषपूर्ण भावना से किसी भी धर्म, जाति के खिलाफ अपमानजनक बात करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया है कि नदीम कुरैशी निवासी धामावाला कोतवाली देहरादून ने एसएसपी देहरादून को शिकायत देकर बताया है कि शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने 12 नवंबर 2021 को हरिद्वार के देवपुरा स्थित प्रेस क्लब में अपनी किताब के विमोचन के दौरान धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी। वहीं चमोली में नगर पालिका गोपेश्वर की तरफ से मुख्य चौराहे पर अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवाण की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीतों के माध्यम से स्वच्छता के संदेशों को प्रसारित किया गया। ईओ सजवाण ने कहा कि नगर की स्वच्छता बनाए रखने में सभी के योगदान से कूड़ा मुक्त शहर का निर्माण किया जा सकता है। नगर के लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों की जानकारी दी गई है। भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंतर्गत सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, निगमों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी आयोजन के क्रम में हमारे द्वारा भी ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने एक वार्ड को आत्मनिर्भर वार्ड घोषित किया जाना है। इसी क्रम में हमने आज जन सहभागिता के साथ चमोली क्षेत्रपाल वार्ड संख्या 11 को आत्मनिर्भर वार्ड घोषित किया गया है। इस आत्मनिर्भर वार्ड की विशेषता ये है कि इसका जो गीला कूड़ा है और सूखा कूड़ा है इस वार्ड में प्रसंस्कृत या प्रसंस्करण इसका होना है। खबर लालकुआ से। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने के बाद स्टैटिक सर्विलांस टीम और कोतवाली पुलिस ने बिंदु खत्ता के गौला रोड में अवैध रूप से ले जाए जा रहे 191,350 रुपए जब्त किए हैं। इस दौरान टीम ने जब नकदी ले जा रहे व्यक्ति से रुपए से संबंधित वैध कागजात मांगे तो व्यक्ति वैध कागजात नहीं दिखा सका है। इसके बाद टीम के सदस्यों ने आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप प्रदान करने के लिए विस्तृत कार्रवाई शुरू कर दी है। आचार संहिता जैसे कि लागू है निर्वाचन की ओर से, तो इसमें जो टीमें लगाई गई है अभी SST FST इत्यादि, ये जो अवैध तरीके से जो गतिविधियां होती है इन पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। इसमें सारी टीमें मुस्तैद हैं, अच्छी तरह से कार्य। आज एक पिकअप जैसे इधर से आ रही थी, सारे वाहन आते जाते चेक किए जा रहे हैं,
तो पिकअप जो अभी गोला गेट की तरफ से आ रही थी उसको जब चेक किया गया तो उसमें जो चालक था उसके पास से 1,91,350 रुपये बरामद किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू है जिसमें पूरे ज़िले में SST टीम FST टीम संचालित की गई हैं। हमारी टीम SST 5 नंबर बिंदुखत्ता कार रोड में है। ये मजिस्ट्रेट साहब हमारे दीपचंद सनवाल जी हैं, इनके इसमें साथ में हम लोग चेकिंग कर रहे थे तो आज एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी वहाँ से, तो उसे रोका तो उसमें से 1,91,350 रुपये बरामद हुए हैं, जबकि आदर्श आचरण संहिता में नियमानुसार 50,000 से अधिक का कैश बिना वैध कागजात के ले जा नहीं सकते थे। तो इसमें चालक है रिजवान अहमद जो बैड़ी के रहने वाले हैं। ये मौके पे जो है इस नगदी को कब्जे लिया गया है और इनको हिदायत दी गई वैध कागज दिखा के RO साहब के वहाँ से रिलीज करा लेंगे। वहीं बीजेपी के काशीपुर प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहुंचते हुए एक जनसभा कर फिर से प्रदेश में धामी सरकार को लाने और काशीपुर में दोबारा कमल खिलाने का आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस पार्टी समेत आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। बता दें कि स्थानीय रामलीला मैदान में बीजेपी की तरफ से आयोजित जनसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहुंचकर बीजेपी के लिए माहौल बनाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से धामी सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज होगी। हमारी माननीय मेयर साहब की तबीयत खराब है, वो चेकअप कराने गई है। मैं यहाँ आया था 2 दिन पहले, उनसे मिल के गया हूँ। वो शीघ्र यहाँ आके काम पे लगेंगी और हमारे दूसरे साथी उनका एक सोलर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है मासी में, तो वो उसको साइन करने के लिए गए हैं क्योंकि अधिकारी दिल्ली। लेकिन भट्टी, हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया बगावत में कि किसी का, आपने तो खुद ही बता दिया कि मेयर साहब और वो गए हुए हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि आप लोग उन्हीं के बारे में पूछते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। अस्वस्थ होना किसी का बगावत होना नहीं है, इसलिए कहीं से कहीं तक बगावत नहीं है। सब एक है, पार्टी एक है और भारी बहुमत से हम काशीपुर की सीट को पुनः जीतने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज थराली पहुंचे जहां पर उन्होंने कुलसारी बाजार के लिए पैदल सफर तय किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के लिए भी वोट मांगे। पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी प्रत्याशी भोपाल राम टमटा, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौके पर मौजूद रही। एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है, सभी जगह जोश है, उत्साह है और लोग 14 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कुछ 5 सालों में हुआ नहीं और खुद उनकी जो कांग्रेस लीडर हैं प्रियंका गांधी, वो कल देहरादून में पहुंच रही, तो क्या लगता है पोलराइज कर पाएंगे कुछ? नहीं, वो मुद्दा विहीन है, आपस में ही बहुत लड़ाई है और कुर्सी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, लड़ाई पहले हो गई। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, गढ़वाल लोकसभा की लोकप्रिय सांसद तीरथ सिंह जी का, मदन कौशिक जी का जो हमारे मुखिया हैं, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं थराली विधानसभा की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जनभावनाएं, जो आशीर्वाद आपका मेरे साथ रहा, आज मैं थराली विधानसभा एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। विधानसभा चुनाव क्षेत्र के नैनीताल, लालकुआं, भीमताल आदि क्षेत्रों का भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से तैनात व्यय प्रेक्षक कुंदन यादव ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजनीतिक राज्य और क्षेत्रीय दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ से अपने चुनाव प्रचार में प्रसारित विज्ञापनों, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर कड़ी नजर रखे जाने के निर्देश MCMC में तैनात सहायक नोडल अधिकारियों और कार्मिकों को दिए हैं। वही नगर पंचायत लालकुआ के पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ लालकुआ मुख्य बाजार में डोर टू डोर संपर्क कर उन्हें विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पवन चौहान की गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पवन चौहान ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनका जीतना जरूरी है, वो लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय हैं और जन समस्याओं से भली भांति वाकिफ हैं।
देखिए, मैं समर्थन तो मेरा इस लाल कुआं में जब मैंने चुनावी शुरुआत की थी उस दिन से जनता मेरे साथ दमखम से हमेशा खड़ी रहती है, और इसी दमखम के कारण मैंने इतनी हिम्मत की थी। और एक तरफा लग रहा है आज वो, कल से परसों से प्रचार चल रहा है, विज्ञापन डाले जा रहे हैं, खट्टर साहब आ रहे हैं, खट्टर साहब आ रहे हैं, और पवन चौहान को किसी तरह डैमेज करें, खट्टर साहब आ रहे हैं। खट्टर साहब तो हरियाणा में कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ क्या करेंगे। दूसरा, वो 15 लोग वहाँ बैठे, हमारे साथ भीड़ थी, लोग हमने कहा अब ज़्यादा भीड़ हो गई कम कर दो, हमें तो इतना जनसमर्थन है, उसी के दम पर हमें है। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है, ऐसे में सभी पार्टी प्रचार प्रसार में जुट गए। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पौड़ी पहुंचकर आम आदमी पार्टी के पौड़ी विधानसभा प्रत्याशी मनोहर लाल पहाड़ी के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क कर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने जनता से संवाद करते हुए कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बेहतर काम किया है, उसी को देखते हुए आप पार्टी के प्रत्याशियों को भी विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाना चाहिए। जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस के टाइम में दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड़ रुपए था। हमने एक बेहतर बुद्धि और विवेक के साथ ईमानदारी की जो सरकार दी, उससे उसी बजट को 30,000 करोड़ से 6 साल के अंदर हम 69,000 करोड़ पर लेकर आए। यानी कि एक अच्छा तरीके से अगर मैनेज किया जाए और बुद्धि विवेक से काम किया जाए, लीकेज को रोका जाए, जो चोरी होती है टैक्स की उसको रोका जाए और ईमानदार सरकार दी जाए, तो निश्चित तौर पे यहाँ रिवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है, जिससे ये सारे जो हम वायदे कर रहे हैं, इन वायदों को पूरा किया जा सकता है। वही दर्शकों, उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रसार में जुट गए हैं। वहीं खानपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रानी देवयानी डोर टू डोर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। इसी बीच रानी देवयानी से खास बातचीत की हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आप इसको सुनिए। चैंपियन साहब को टिकट नहीं दिया, रानी जी डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, अभी साउथ लेन में हैं, बात करते हैं इनसे, क्या कहेंगे मैडम चुनाव किस तरह से हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में आ सकूँ, विधानसभा प्रत्याशी के रूप में। और देखना क्या है, सब चुनाव है, चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाता है। देखिए, हम समाज सेवा करते हैं और वही करते आ रहे हैं, विकास का हमारा मुद्दा है, हमने बहुत विकास कराए हैं। 20 साल से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी यहाँ विधायक हैं, रहे हैं, अब इस बार मुझे मौका मिला है, तो मैं समझती हूँ कि मैं उनके जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाऊँगी और जो कार्य रुके हुए हैं उनको हम पूरा कराएंगे। चैंपियन साहब खुलकर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ लोग जुड़े थे जी, वो क्षेत्र में इस बार नहीं दिख पा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह है? स्वास्थ्य खराब है, चैंपियन साहब का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, शायद आपको पता नहीं 2 महीने से वो बिस्तर पे भी थे, उनका लिगामेंट पैर के टूटे हुए हैं, तो वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर काफी समर्थक थे इस विधानसभा में, क्योंकि 10 साल से पिछले खानपुर से विधायक है चैंपियन साहब, इस बार जो है आपके समर्थक काफी टूट टूट कर उमेश कुमार जो नेता हैं, हम पत्रकार नहीं कहेंगे उनको, उनके साथ जा रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, उनका अपना सोचने का तरीका है, हो सकता है उनको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा होगा, वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, और क्या कह सकते हैं। इस बार क्या रानी साहिबा जीत का परचम ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे। तो ये थे हमारे बीजेपी प्रत्याशी रानी देवयानी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार बीजेपी से वो खानपुर से परचम ले जाएंगी। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि उनके नाराज वरिष्ठ कार्यकर्ता वापस लौट आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी के रुद्रप्रयाग विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का डर सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जो अब नाकाम होती दिख रही है। बता दें कि रुद्रप्रयाग विधानसभा से पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी को टिकट ना दिए जाने से कांग्रेस प्रदेश महामंत्री और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा, युवा नेता अंकुर रैयाड़, ठाकुर गजेंद्र पवार सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बगावत करके कंडारी को मैदान में खड़ा कर दिया है। आप जानते हैं कि पूर्व मंत्री की अभी दशा और दिशा क्या है,
उनकी उम्र कितनी हो गई है, उनसे चला नहीं जाता, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये तो उनके मन का एक भ्रम है। अभी भी हमें उम्मीद है कि शायद वो अगर पहले कई दलों में आए गए, लेकिन हो सकता है अगर उनको कांग्रेस से सच्चा प्यार है तो फिर से दोबारा से हमारे दल का समर्थन करेंगे। देखिए, जब पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट तय कर देती है कि हमारा प्रत्याशी वो होगा, तो उस व्यक्ति के लिए हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए, और हमें फिर भी उम्मीद है कि वो वापस अपने दल के साथ आएंगी। और ये निर्णय जो भी लेना है शीर्ष नेतृत्व ने लेना है, हमने जो भी यहाँ की सूचनाएं हैं नेतृत्व से बात भी की है, और वो भी निरंतर इस प्रयास में हैं कि जो हमारे लोग भटक गए हैं रास्ता, वो पुनः कांग्रेस की तरफ वापस आएं, और अभी प्रयास जारी है, आगे फिर देखते हैं क्या होगा। वहीं कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान ने आखिरकार अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस दौरान शूरवीर सिंह सजवान ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमूला को अपना समर्थन दिया। वहीं मौके पर सजवान को मनाने में कामयाब हुए जयेंद्र रमूला को बधाई देने वालों का सिलसिला लगा रहा। हम पहले भी एक थे, आपने जब हम दावेदार थे, मेरे वरिष्ठ जन मेरे साथ सारे मेरे नौ दावेदार थे, नौ के नौ, आठ के आठ मुझसे उम्र में बड़े भी थे, अनुभव में भी बड़े थे, और सबसे छोटा मैं था, और सबसे सबने छोटों ने बड़ों ने स्नेह करके अपने छोटे को आगे बढ़ाने का काम का, ये कांग्रेस में ही देखने को मिल सकता है। और सबसे वरिष्ठ जन जो हमारे आदरणीय सुरवीर सिंह सजवान जी रहे, जो शुरू से ही 2002 से लगातार और उससे पहले भी इस प्रदेश को दिशा और दशा देने का काम करते आए हैं, उत्तर प्रदेश के काल से ही दिशा और दिशा देने का काम करते हुए आए हैं, तो वो उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, और हम पहले भी एक थे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के लिए अनुरूप कभी कभी नेताओं को उनके साथ चलना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। हमारे पुरखों ने देश को आज़ादी दिलाई, और आज देश की आज़ादी खंडित करने वालों के खिलाफ कांग्रेस वचनबद्ध है। जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, और कांग्रेस चाहती है कि देश को फिर से उसी तरह भाईचारे को बरकरार रखा जाए। आज भाईचारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और जहाँ तक ऋषिकेश का प्रश्न है, ऋषिकेश का बच्चा चाहता है कि 15 साल से जो जंक लग गया है यहाँ के विकास पर, वो जंक दूर किया जाए। खबर जसपुर से, जहां विधानसभा चुनाव में एक तरफ प्रत्याशी लोक लुभावने वादे कर अपना गणित बैठाने में व्यस्त हैं, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी से जसपुर प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी ने बीजेपी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि दोनों ही दलों के नेताओं ने जनता का वोट हासिल कर बेवकूफ बनाने का काम किया है, लेकिन आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। बासठ विधानसभा जसपुर की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का मन बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कामों से लोग बहुत नाराज हैं। इन दोनों सरकारों ने, इन दोनों यहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी। आम आदमी पार्टी से लोगों को उम्मीदें हैं कि आम आदमी पार्टी न्याय करेगी, आम आदमी पार्टी विकास करेगी। यहाँ पर हमारा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जसपुर में आज तक अपना रोडवेज का बस अड्डा नहीं है, जबकि इस राज्य को बने हुए 21 साल 22 साल हो गए, और हमारे उत्तराखंड में, हमारे जसपुर में 20 साल से लगातार कांग्रेस के एमएलए रहे, लेकिन यहाँ पर एक जसपुर में अपना बस अड्डा नहीं है। चमोली के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख बसंत पंचमी को तय करने की परंपरा है, जिसके तहत डिमरी पुजारी गाड़ू खड़ा को लेने के लिए जोशीमठ नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर योग ध्यान बद्री मंदिर पहुंचे। योग ध्यान बद्री मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचे, जहां पर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने इनका स्वागत किया है। विशाल जी के कपाट खुलने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई। कल पांडुकेश्वर डिमरी धार्मिक पंचायत पहुंची, और आज प्रभात में पांडुकेश्वर में मंदिर में पूजा, भोग प्रसाद, तत्पश्चात जोशीमठ अभी नरसिंह मंदिर में, और यहां के भोग पूजा के बाद गाड़ू घड़ी यानी ये तेल कलश यहां से जाएगा डिम्बर, और 4 तारीख प्रभात डिम्बर से ऋषिकेश, और 5 तारीख बसंत पंचमी के दिन ये गाड़ू घड़ी कलश
राज दरबार टिहरी और टिहरी महाराजा के यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने का दिन निश्चित किया जाएगा। योग मंदिर में दर्शन करने के उपरांत, पूजा पाठ होने के उपरांत यहाँ से फिर भगवान जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पूजा पाठ होते हुए सीधा वहाँ से भगवान। वहीं सोशल मीडिया पर काशीपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दीपक वाली का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वाली को काशीपुर जिला बनाने को लेकर यह कहते हुए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कह दो कहने में क्या जा रहा है, जिला बनाना थोड़े ही है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर दीपक वाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह गंदी राजनीति 20 साल से काशीपुर पर कब्जा चलाते आ रहे हरभजन सिंह चीमा ने की है। भाजपा अपनी हार देखकर विधायक हरभजन सिंह चीमा जी अपना आपा खो बैठे हैं और घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। जोरी बात जो सच थी वो ये थी, जब मैं कह रहा था विधायक जी ने अपने लोगों को बैठकर ये कहा था कि ये जिला बनाना जनता की मांग नहीं है, ये कुछ वकीलों की मांग है, तो मैंने भी ये कहा जब कुछ लोग बैठे थे, उसमें दो पत्रकार बंधु भी बैठे थे और एक बातचीत चल रही थी। मैं कहा इन नेताओं का क्या है, जब चुनाव आते हैं तो ये भाजपा और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी बस जनता के बीच में जिला बनाने की बात करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बनाना तो है नहीं, बनना तो है नहीं, कह दो कहने में क्या जाता है, बनाना कौन सा है। तो इन्होंने आगे का हिस्सा काट कर ये पिछला हिस्सा चला दिया, मेरे शब्दों को इस तरीके से रख दिया, जैसे कि आज भी अगर जो वकीलों वाला बयान है अगर आप उसमें से अगली लाइन हटा दें कि विधायक हरभजन सिंह चीमा जी ने यह कहा था कि एक जिला काशीपुर की जनता की मांग नहीं है, बस कुछ वकीलों की मांग है, तो ऐसा लगेगा जैसे ये बात मैं कह रहा हूं। चमोली में LLB तीसरे सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने गोपेश्वर स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में प्रदर्शन कर परीक्षा का बहिष्कार किया है। इसी के साथ ही प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई। छात्र छात्राओं ने प्राचार्य राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि विश्वविद्यालय ने अपनी मनमानी करते हुए बिना UGC के मानकों के आधार पर LLB तीसरे सेमेस्टर के पेपर करवाए हैं। छात्रों ने कहा कि बिना परीक्षा पत्र घोषित हुए किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलता है। परीक्षा का परिणाम घोषित हुए केवल 10 दिन ही हुए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का समय 4 दिन रखा गया और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से 31 जनवरी से पेपर की डेट निकाल दी गई, जो कि UGC के मानकों के विपरीत है। विश्वविद्यालय के ओर से कोई आश्वासन तो नहीं मिला है, बट बच्चों के द्वारा कई बार विश्वविद्यालय को बताया गया है कि हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट हमारे जो बैग जिन बच्चों की लगी थी उनका एडमिशन 15 जनवरी तक हुआ है, 16 जनवरी को लेटर निकलता है कि हमारी छुट्टियां पड़ गई है। हमारी मांगे सीधी सीधी हैं, हमारा जो एग्ज़ाम होता है 30 तारीख को अंतिम एग्ज़ाम होता है, 30 सितंबर को हमारा जो हुआ था एग्ज़ाम वो अंतिम हुआ था। उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आना था दिसंबर महीने में, लेकिन वो रिजल्ट हमारा दिसंबर में ना आकर 7 जनवरी को आया गया और वो रिजल्ट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एक एक हफ्ते के अंतराल के अंदर खुला। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।